ये दुनिया देखे ही कथा है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिताजी नंद बाबा को जल के देवता वरुण के पास से बचा कर ले लिया। ब्रजवासियों के सामने अब तक जन्म से लेकर के अब तक 11 वर्ष तक भगवान ने लीला ही लीला की, चमत्कार। तो आज जो कंधे पे हाथ रख करके सारे बाल गोपाल हिलती थी उस आवरण हो गया। अरे भैया मधुमंगल, हाँ भैया सीतामा, अरे भैया कछु देखियो। बोले हाँ देख तो रहे, या लाला की जब से जन्म भयो है या की एक के बढ़ के एक लीला हम देख रहे हैं। भैया कौन है भैया, आप भी ना समझोगे, ये तो नारायण है, नारायण भगवान है, ये तो भगवान भगवान हमारे बीच में आ गए ब्रजवासियों के। अरे भैया मैंने तो या कनिये को बड़ी बड़ी त्रिका दी थी, भैया ने कछु ना कही। बोले यही तो इनकी विशेषता है, इतने महिमावान आवादी ना मोते कुश्ती में पिट गए, कैसे सीधे साधो है अपना। भैया आपकी ही उपाय है, अब तक की चार से जो कछु गलती है गई क्षमा मांग लो। भैया नरक में जाएंगे। बोले हाँ तेने ये बात अच्छी है। सब लोग उदास मन हाथ जोड़े, दादा कन्हैया प्रणाम, भैया तो भगवान है, तैने तो हमको ना बताई पर तैने जो लीला कही है वह लीला का स्मरण हम सबन ने हो गए है कि ये काऊ के मनुष्य के बस की बात नहीं है, या सो हमें क्षमा कर। पिते पुत्र सखे सख्यो प्रिया प्रिया यार हसीदेव सोरु नहीं। जैसे पिता अपने बेटे को क्षमा कर देते, सखा एक सखा को क्षमा कर देते, गुरु अपने शिष्य को क्षमा कर देते हैं, ऐसे ही दादा कन्हैया हम सब अन्य को क्षमा कर दे। और तो भगवान है, रो नहीं। बोले नहीं नहीं, अरे भगवान भगवान नहीं, कौन देखे। बोले कहने को बचे ही कहा, कहने यार इतने बड़े गिरिराज महाराज को अकेले ने उठाया, और वहां के बाद में जल के देवता बाबा को ले गए तो वो कितने घंटे है गए जल में। अरे कोई 2-3 मिनट भी नहीं रुक सकता, वही बुलबुले उठ जाएंगे, मर जाएगा। तो अब हमसे हाथ में चोली मत खेले, अब तो भगवान है। तो कन्हैया ने माना, माना अच्छा ठीक है, हम तो भगवान है, तो भगवान से कुछ मांगा तो जाए जानो, कुछ मांगो। लाला कन्हैया अपना प्रेम कभी हमसे दूर मत करो, रो रहे हैं ब्रजवासी, हमें पता है कि भगवान मिल के चले जाते हैं तो हमें छोड़ेगा तो ना भगवान, मैं कभी ना छोड़ूंगा मैं अपने ब्रजवासियों को। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तुम्हें कब हूं ना बेसारी हो मोहिनंद बाबा की। देखो कोई तो माँ की कसम खाता है लेकिन भगवान अपने बाप की कसम खा रहे हैं। नंद बाबा बोले ब्रजवासियों मुझे नंद बाबा की कसम खा रहा हूं, मैं तुम्हें कबू न छोड़ू। अब तो प्रसन्न रह गए, अब तो लाला है इच्छा है। मैंने बैकुंठ की बड़ी चर्चा सुनी, जादिनंद के संतन तेरे दर्शन को आए, वह हम सोचते कि ऐसे कोई बाबा हो
तुम्हारे कन्हैया को प्रणाम कर रहा है, लेकिन अब हमको सबन बातों को ज्ञान है कि तू वही परात्पर अखिलेश्वर तत्व है जो यहाँ ब्रज में लीला कर रहे हो। या सो अपना बैकुंठ दिखाएगो, बोले हाँ बड़ी बात है। सब आंखें बंद कर लो, तो ब्रजवासियों ने आंखें बंद की। जैसे ही ताली बजा करके खोला आंख, तो बैकुंठ में प्रवेश मिल गया। बड़े बड़े महल हैं, खंभे हैं, उनमें मणि जटी हुई है। कन्हैया गए सारे सिखाओं ने, अरे कहाँ गए भैया, अरे मुझे कुछ देख। बोले भैया हम बैकुंठ में आ गए हैं, तो यहाँ पर दादा कन्हैया कहाँ है? अरे भाई को तो ढूंढो है, देखो तो देख, जहाँ कहीं देखो तो चार चार भुजाधारी भगवान है। अरे भैया चार भुजाधारी है? बोले हाँ ये विष्णु लोक है, बैकुंठ में सबके चार हाथ होते हैं, सब दिव्य पुरुष है, देवता है। तो भैया यही थे पूछ लो अपना कन्हैया कहाँ छप गए। अरे माशे राम राम भैया। बोले जय श्री राम। बोले अपनो कन्हैया कहाँ? बोले कन्हैया, बोले हाँ मोर मुकुट जाके सिर पे विराजमान हुए, बंसी पकड़े। अरे परात्पर अखिलेश्वर हमारे स्वामी। बोले वहां नहीं जा सकते। बोले चाहे चौना जा सकते हैं, वो हमारे साथ खेले खावे कूदे, भैया वाकई बिना एक पल नहीं भी सकते बातें मिला दे। देखिए ये भगवान का बैकुंठ लोक है, यहाँ पे कोई उद्धम नहीं कर जा सकता, कोई क्रीड़ा आदि नहीं होती यहाँ। भगवान अपने शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभंगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकेनाथ। यहाँ तो भगवान शेषनाग के संयम में लेते हुए। बोले शेषनाग के संयम? बोले दिखाइयो। बोले चलिए। तो एक ड्योढ़ी पार की, दो ड्योढ़ी पार करे, जब सातवीं ड्योढ़ी पार की तब भी अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। बोले वो रे क्षीर सागर में, दूर से क्षीर सागर दूध का सागर दिखाया, और शेषनाग की सैया पर एक सहस्त्र फणधारी शेषनाग की गोद में भगवान लेते हैं और श्री जी वहां विराजमान। अरे भैया देखिए अपने कन्हैया को। अरे जब ये एक सहस्त्र फणधारी पे लेट सके तो वहां सौ फणधारी कालियानाग को नाथ दे, तो हमें का बड़ी बात कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लाला मधु मंगल श्री रामा अस्तो, आपस में सारे सखा उदास हो गए। अरे इतनी दूर हमारे से कन्हैया, और हम कन्हैया के गलवैया लेके चलवे वारे ब्रजवासी। भैया यहाँ में अच्छो ना लग रहा है, जैसे अपना वृंदावन है, जितना सुलभ अपने को कन्हैया वहां है, यहाँ बैकुंठ में नहीं है, कहा करे तेरी बैकुंठ को। रोने लगे एक एक वृक्ष के नीचे बैठ करके, और वहां बैकुंठ में तो सारे वृक्ष कल्प तरु है, तो मनोकामना क्या थी कृष्ण की? तो वहीं से आवाज आई, फिर से अपने नैन मूंदो मेरे ब्रजवासियों, आंखें बंद की, तुरंत फिर यमुना के किनारे खड़े हुए मिल गए वृंदावन। और कन्हैया वही, क्यों भैया देख ली मेरी बैकुंठ? बोले हाँ लाला कन्हैया, बैकुंठ तो तेरी बड़ी अच्छी है, पर वहां में तेरे दर्शन से लग ना हो सके। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले जितनो तो सुलभ वृंदावन में है, उतना खाओ लोक लोकांतर में नहीं है, ऐसी है वृंदावन की लीला। वृंदावन धाम की जय। अब आइए दिव्य प्रसंग, महारास दिव्य रास का प्रसंग हो रहा है। श्लोक बोलेंगे जरा रास का। भगवान भगवान अभी तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता
अब आप लोग सब लोग जानते ना कन्हैया ने रासलीला की, कौन कौन जानते हाथ नहीं रासलीला के बारे में? रास शब्द सुना है? जिन्होंने सुना है वो हाथ उठाइएगा। तो रासलीला का मतलब क्या है? दो दो गोपी बीच बीच माधव, दो गोपियों के बीच में एक माधव श्री कृष्ण है और बीच में जुगल जोड़ी श्री राधा कृष्ण जी, जिनके कृपा दृष्टि से अनंत कोटि जन्मों वाले जीव आत्मा को आज भगवान ने रास प्रदान किया। बंसी बजाई और उस बंसी में उन उन जीवों के नाम तेरे जो रास के अधिकारी थे। सूरदास जी ने, तुम इधर ध्यान रखो, चंचलता छोड़ कर, ठीक है, बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो चारों तरफ भक्तजन आने लगे। तदोनुराज कुभ करे मुखम प्राच्या विलंपम नरुणेन शल्यतमे सचर्षणी नामुद्गाच्चुचोरजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। शरद पूर्णिमा का दिन आया, जब पूर्णमासी आती है लगभग संध्या के समय में 6-7 बजे के आसपास ही चंद्रमा बड़ा विराट रूप धारण करते हैं, जैसे सूर्य निकलते हैं ना सुबह सुबह, ऐसे उस दिन रात्रि में चंद्रमा निकलते हैं बड़े बड़े और धीरे धीरे उनकी चमक बढ़ती चली जाती है और आधी रात्रि में तो ऐसा प्रकाश होता है कि किसी लाइट वाइट बिजली की जरूरत नहीं होती। यहाँ तक कि मकान के घरों में भी उस चांदनी का प्रकाश हो जाता है, ऐसी हो शरद पूनम की रात होती है। समस्त गोपियां दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमाननाभम नवकुमकुमारुणम वनम च तद कोमल गोभिरञ्जितम जगो कलम वाम दृशा मनोहरम। देखिए भगवान ने रास से पहले रास का वातावरण बनाया, समस्त ऋतुओं के पुष्प खिल गए, सारे वृक्ष हरे भरे हो गए, यमुना भी मंद मंद लहरों में बह रही है और यमुना किनारे जो बालिका है थोड़ी शीतल शीतल साफ स्वच्छ मंद सुगंध समीर चलने लगे वायु, उसमें भगवान ने दिव्य रास का वातावरण देख करके फिर अपनी बंसी हाथ में ली और बंसी का नाद कर रहे हमारे कन्हैया और जय जय श्री राधे। आज समस्त दिशाएं भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी मधुरमयी बंसी में डूब रही है। भगवान शुकदेव जी कहते हैं निशल्य में गीत तदनंद वर्धनम जिस प्रिय कृष्ण रही तो मानसा, जिस जिस गोपी के कानों में बंसी बज रही है, जिस जिस कानों में बंसी की ध्वनि जा रही है, केवल स्वर्ग के नहीं कैलाश पर्वत के भगवान महादेव भी आ गए। पार्वती जी कहीं कहां चले? बोले नहीं नहीं अभी आते, बोले देखो रोज तो बता के जाते हैं आज बिना।
हम भी आपकी अर्धांगिनी लगती है और आप हमारे से पहले कैसे जा सकते हो, महापुरुषों का प्रवेश ही नहीं। तो पार्वती जी पहले पहुंच गई सखी बन कर। पार्वती जी का एक नाम दुर्गा माता है, दुर्गा माने दुर्ग की रक्षा करने वाली। पार्वती जी को वहां खड़ा कर दिया श्री जी ने, हे सखी यहाँ विराजमान हो जाइए। कोई भी पुरुष अब इस राज में प्रवेश नहीं करेगा, हमारे प्रियतम ही पुरुष होंगे। बोले जरूर स्वामी जी, किया ये दिव्य दर्शन है, इसके भावना बनाइए आप लोग और उस राज का आस्वादन कीजिए। अनंत अनंत युद्ध के युद्ध मंडल के मंडल बन गए हैं और भगवान श्री कृष्ण वंशी में आ रहे हैं। समस्त गोपी दौड़ दौड़ करके आ रही है, किसी ने अपना घर परिवार छोड़ा, किसी ने अपना श्रृंगार छोड़ा, किसी ने अपने सास ससुर माता पिता भाई बंधु सबको छोड़कर भाग जाए। देखो गलियां तभी मिलेगी जब सबको छोड़ करके भगवान को पकड़ोगे। सबको छोड़ना सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बोलो राधे राधे। प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो। रास में आई है, कुछ गोपियों को उनके पतियों ने हाथ पकड़ लिया। कहा चली, जानते थे श्री कृष्ण की बंसी बजी ये रुकने वाली नहीं है। हमारे रास में ब्रजमंडल के रास भाव में दो भाव है, स्वकीय भाव और परकीय भाव। स्वकीय भाव और परकीय भाव। स्वकीय भाव में तो कुआरी कन्या किसी का वरण कर सकती है, चयन कर सकती है, लेकिन परकीय भाव में विवाहिता है, शादी हो गई, लेकिन कृष्ण को पति मानना पड़ता है। पति एक है अपना, लेकिन जान लिया है कि भगवान आए हुए हैं, अरे यही सबके पति है, ये तो माटी के माधव है। बोलो राधे। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म मर जाए, मैं तो वरूं मेरे गिरधर को, मेरा सुहाग अमर हो जाए। मीरा जी ने कहा, राजा भोज उनके पति थे, जब युद्ध में मारे गए उनकी सासू ने कहा, हे मीरा भोज में सो, ये सिंदूर ओढ़ ले, चूड़ियां पहन लिए, विधवा का चोला। बोले नहीं, तुमको पता नहीं मैं कभी विधवा नहीं हो सकती, मेरा सुहाग अजर अमर अविनाशी है, वो शाश्वत है, मैं कभी विधवा नहीं हो सकता। तो मीरा जी ने सच्चे हृदय से माना था श्री कृष्ण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरे पति। इसलिए भक्ति में आना चाहिए, भक्ति में भाई छूट जाए, बहन छूट जाए, माँ छूट जाए, पिता छूट जाए, लेकिन तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो तुम्हें वो विद्या द्रविड़ो, तुम्हें वो सर्वम। सर्वम शब्द पे जोड़ दिया हम देव, हमारे तो सब कुछ भगवान, ये तो नाते रिश्तेदार, ये तो ऋणानुबंध है, जो हमारी सेवा कर रहा है उस पर हमारा था और हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उस पे है हमारा था, हमारा उस पे है। हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव समझो, जैसे नदी में बैठ करके, नदी में नाव में बैठे हो तो है तो पानी में, लेकिन नाव चल गई है, तो ऐसे ही इस संसार रूपी नदी में भगवान की भक्ति रूपी नौका में बैठ करके पार हो जाना।
तो भगवान ने बंसी बजाई। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी ने बड़ा प्यारा पद गाया है, बांसुरी बजाई आज जग सो मुरारी, बांसुरी बजाई आज जग सो मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी। क्या क्या हुआ? शिव समाधि भूल गए, शिव समाधि भूल गए, ऋषि मुनि की तारी, ऋषि मुनि की तारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, भूले ब्रह्मचारी, भूले ब्रह्मचारी, बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी। सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम मदन मोहन चंदन बलिहारी, बांसुरी बजाई आज रंग सो, ऐसे बंसी बजाई। बोलो गजब की बांसुरी बजती है ये बंसी धर बजैया की, गजब की बांसुरी बजती है ये मुरली धर बजैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली धर कन्हैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली धर कन्हैया की, वहां ना जोर चलता है कभी तीरों कमानों से, वहां ना जोर चलता है कभी तीरों कमानों से, विजय नटवर की होती है जहां मुरली की तानों से, विजय नटवर की होती है जहां मुरली की तानों से। कहते हैं महाराज में पहले गोपियों को अभिमान आया, लेकिन फिर जब राधा रानी आ गई तो राधा रानी के शरण में रहने वाले को अभिमान कभी नहीं आता। तो भगवान से क्षमा मांगी, श्री जी ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, प्यारे प्रीतम तुमको क्षमा करो, है तो तुम्हारी ही मर्जी है। इसी प्रकार से भगवान शंकर जी भी वहां सज धज करके आए हैं। किस प्रकार से? आइए महाराज का एक दृश्य, बाबा का भजन हम लोग गाएंगे। बोलो जय जय श्री राधे। बोलो गोपाल।
शुरू हो चुका है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम